क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लास्ट मंथ कितने स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च हुए थे और इस मंथ कितने स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। वैसे ये है पोको M4 5G स्मार्टफोन, एक और 5G स्मार्टफोन जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है 5G आने से पहले। इसका प्राइसिंग बहुत ही बढ़िया है, 12,999। कह सकते हैं कि ये एक बजट फ्रेंडली 5G स्मार्टफोन है। चलिए चेक करते हैं कि ये जो हैंडसेट है इसका परफॉर्मेंस लेवल कितना है और जो कैमरा क्वालिटी है उसका लेवल कितना है, देखते रहिए। तो ये है पोको M4 5G का बॉक्स पैक। ये पोको येलो कलर वेरिएंट है, 6GB 128GB वाला वेरिएंट। हैंडसेट को मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया है। बॉक्स में हैंडसेट के अलावा इस बॉक्स के अंदर ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन, कुछ बुकलेट्स, ये सिलिकॉन केस, USB टू टाइप सी केबल और ये 22.5 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। तो इसमें ट्रिपल स्लॉट्स दिया हुआ है, दो नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड का आप इसमें एक साथ उपयोग कर पाएंगे। हैंडसेट का जो लुक्स है ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। यहाँ पर साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, ऊपर ऑडियो जैक दिया हुआ है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर सिम ट्रे है और नीचे स्पीकर आउट वेंट है, टाइप सी पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और यहाँ पर ऊपर ये है IR ब्लास्टर। ये जो फ़ोन है इसे एज अ रिमोट कंट्रोल की तरह भी आप उपयोग कर पाएंगे। इसकी बॉडी प्लास्टिक की बनी हुई है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसके ऊपर टेक्सचर दिया हुआ है जो कि आप फील कर सकते हैं। ये जो टेक्सचर है इससे आपको बढ़िया ग्रिप मिलता है, अच्छा फील मिलता है। ये तभी आपको मिलने वाला है जब तक आप इस पर सिलिकॉन केस का उपयोग नहीं करते हैं तो, लेकिन ज़्यादा करके लोग जो है ये सिलिकॉन केस यूज़ करने वाले हैं क्योंकि वो हैंडसेट को डेफिनेटली बढ़िया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैमरे का मॉड्यूल अगर आप देखें तो यहाँ पर एक तो ब्लैक और येलो कलर कॉम्बिनेशन का उपयोग किया गया है जो कि इसे एक यूनिक लुक देता है और कैमरे में भी सिमेट्रिकल लुक दिया हुआ है। तो यहाँ पर दो लेंस है, ये है LED लाइट, कर्वी डिज़ाइन है, यहाँ पर थोड़ा सा कर्व हो जाता है लेकिन जो हैंडलिंग है काफ़ी बढ़िया है। एक सिंपल प्रश्न जो कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि कैसे पता लगाया जाए कि जो स्मार्टफोन है ये 5G है या नहीं। देखिए जितने भी 5G स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं उनका जो नेमिंग है उसमें ही 5G मेंशन किया हुआ है, जैसे कि ये M4 5G। तो 5G आपको डायरेक्टली जो बॉक्स है इसके ऊपर दिख जाएगा, प्लस जो हैंडसेट है उसका जो नेमिंग है उसमें भी 5G मेंशन किया होगा। बहुत ही सिंपल है, IP52 सर्टिफाइड है, वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, वज़न है 200 ग्राम्स, 4GB या फिर 6GB रैम ऑप्शंस और 64GB या फिर 128GB स्टोरेज ऑप्शंस में अवेलेबल हैं। अब क्योंकि ये बजट फ्रेंडली प्राइस टैग के साथ में आता है, इसका जो डिस्प्ले है ये एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, ये इनसेल IPS डिस्प्ले है, लेकिन ये 90Hz डायनेमिक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है और 240Hz टच सैम्पलिंग रेट भी सपोर्ट करता है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है और अच्छी बात यह है कि ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ में आता है। इसमें सिंगल स्पीकर है, सिंगल माइक्रोफोन दिया हुआ है, IR ब्लास्टर है और ये हाईरिस ऑडियो सर्टिफाइड है लेकिन सिर्फ हेडफोन्स के लिए। वैसे अगर आप ज़्यादा मूवीज देखते हैं तो इस पर आप डेफिनेटली मूवीज़ इंजॉय कर पाएंगे। जो डिस्प्ले की क्वालिटी है प्राइजिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। इस पर डुअल कैमरा सेटअप है रियर पर 50MP और 2MP का, फ्रंट कैमरा 8MP का है। ये है कैमरे का इंटरफेस, यहाँ पर फोटो मोड दिया हुआ है, यहाँ पर वाइड एंगल लेंस नहीं है तो जूम इन का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ये है पोर्ट्रेट मोड, आप जो अपर्चर है उसे सेट कर सकते हैं, मतलब कि कितना ब्लर करना है बैकग्राउंड को उसे आप सेट कर सकते हैं। आप वीडियो शूट कर सकते हैं मैक्सिमम 1080p में एट 30fps में। वैसे मूवी फ्रेम का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि बेसिकली जो एस्पेक्ट रेशियो है उसे काफ़ी हद तक चेंज करता है। ये जो फॉर्मेट है इसमें आपको एक तरह से सिनेमैटिक स्टाइल शॉट्स मिल सकता है, तो काफ़ी अमेजिंग सेटिंग है, इसे आप ट्राई कीजिए। प्रो मोड दिया हुआ है, अगर आपको मैनुअल फोटोग्राफी का नॉलेज है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और मोर में ये सारे ऑप्शंस है, 50MP में अगर आपको शूट करना है तो वो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। नाइट मोड है, पैनोरामा है और शॉर्ट वीडियो भी आप शूट कर सकते हैं। ये जो आइकन है इसे टैप करते ही अगर आपको इस टाइप का मेनू फॉर्मेट चाहिए तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं या तो ये ऑप्शन। तो ये कुछ सैम्पल्स है, ये है पोर्ट्रेट शॉट जो कि अच्छा है, नॉट बैड, बैकग्राउंड ब्लरिंग अच्छा है, एज डिटेक्शन अच्छा है, स्किन टोन्स भी अच्छा है, नॉट बैड। ये है एक और पोर्ट्रेट शॉट। देखिए इस हैंडसेट का जो प्राइसिंग है ये अंडर ₹13,000 है, तो उसके हिसाब से जो क्वालिटी आपको मिल रही है ये डिसेंट टाइप की है। ये है एक और पोर्ट्रेट शॉट, ये मैंने आउटडोर शूट किया हुआ है। ये देखिए ये है लॉन्ग शॉट और यहाँ पर मैंने अलग अलग फिल्टर्स का उपयोग किया है।
एक चीज़ आपने नोट किया होगा कि आज की तारीख में जितने भी नए स्मार्टफोन्स मार्केट में आ रहे हैं उनका जो कैमरा है उसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया हो चुकी है, खास करके आउटडोर शॉट्स कमाल के शूट करते हैं, ज़्यादा करके स्मार्टफोन्स आपको बढ़िया शॉट्स दे देंगे। लेकिन लो लाइट में कभी कभार मार खा जाते हैं, खास करके जो बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन्स होते हैं वो। ये देखिए, ये है लो लाइट शॉट। इसका जो लो लाइट शॉट है ये भी डिसेंट टाइप का है, प्राइसिंग अगर आप देखें तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है, नॉट बैड। तो इसकी जो कैमरा क्वालिटी है ये एक तरह से अबाव एवरेज कैटेगरी की है। ये वीडियो मैंने इसी स्मार्टफोन के साथ में शूट किया हुआ है। अब इसमें स्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। देखिए, सब कुछ तो आपको स्मार्टफोन में नहीं मिलने वाला है, खास करके इस प्राइस में। लेकिन अगर आप मूवी फ्रेम मोड यूज़ करेंगे तो ये देखिए जो शॉट है एक तरह से सिनेमैटिक स्टाइल हो जाता है। और ऑफकोर्स स्टेबिलिटी नहीं है तो शेक हो रहा है। ये जो वीडियो है मैं चल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस कैटेगरी के जो यूज़र्स होते हैं जो कि अंडर 15,000 रुपीज़ के स्मार्टफोन्स खरीदते हैं, इनके लिए जो परफॉर्मेंस है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए होता है लेकिन ज़्यादा करके लोगों के लिए नहीं होता है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये ज़्यादा गेम्स नहीं खेलते हैं। ये फ़ोन को एज अ फ़ोन की तरह यूज़ करते हैं, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो इस पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और ऑफकोर्स यूट्यूब पर। ये लोग ज़्यादा वीडियोज़ वॉच करते हैं, कॉन्टेंट वॉच करते हैं, तो उसके लिए इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। ये MIUI 13 रन कर रहा है जो एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड है। तो चलिए इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। पोको M4 5G का परफॉर्मेंस कैसा है, यहाँ से हमें बेहतर आइडिया मिल जाएगा। ये है कॉल ऑफ ड्यूटी गेम और ये देखिए काफ़ी स्मूथली चल रहा है। वैसे ये जो गेम है ये मैं मीडियम और मीडियम क्वालिटी में खेल रहा हूँ। तो ये जो चिपसेट है एंट्री लेवल चिपसेट है और ये जो गेम है ये इस पर चल रहा है। आप इस पर गेमिंग कर पाएंगे और हैवी एप्लीकेशन को भी रन कर पाएंगे। इसमें टर्बो रैम ऑप्शन भी दिया हुआ है जो कि बेसिकली वर्चुअल रैम सिस्टम है, जो कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्मार्टफोन्स में आपको ये मिलता है। इस हैंडसेट में 5000 mAh की बैटरी है, अगेन स्टैंडर्ड बैटरी है। ये आपको तकरीबन 1.5 to 2 days का बैटरी लाइफ दे सकता है। प्लस ये 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में 18W का चार्जर नहीं दिया हुआ है, बॉक्स में 22.5W का चार्जर दिया हुआ है। तो ज़्यादा वॉट होने के बावजूद भी ये जो हैंडसेट है ये 18W में ही चार्ज होने वाला है। और ये रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, मतलब कि इस हैंडसेट का उपयोग करके आप दूसरे डिवाइसेस को चार्ज कर पाएंगे। तो ये है पोको M4 5G स्मार्टफोन और इसका परफॉर्मेंस आपने देख लिया। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 12,999 इसका प्राइसिंग है जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है। तो ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।